क्विटिंग योर जॉब शुड बी अ थॉटफुल डिसीजन एंड जल्दबाजी में ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है दैट इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन देर इज नो स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एट ऑल, देन यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट क्विटिंग योर जॉब। दूसरी चीज है कि अगर आपको लगता है कि आप जिस मैनेजर के साथ काम कर रहे हैं यू डू नॉट रिस्पेक्ट दैट मैनेजर, देर इज अ टॉक्सिक एनवायरमेंट बिटवीन यू एंड द मैनेजर, यू हैव स्पोकन इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज योर मैनेजर, यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट क्विटिंग योर जॉब। एवरी डे हम एटलीस्ट 8 से 10 घंटे एक ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड करते हैं एंड हेंस यू शुड नॉट स्पेंड दैट 8 to 10 आवर्स विद समवन हु यू डोंट रिस्पेक्ट और हु यू फाइंड टॉक्सिक। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अनएथिकल चल रहा है एंड इट हैज कम टू योर नोटिस, यू शुड इमीडिएटली क्विट दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो एवरीवन व्हेन दे स्टार्ट देयर करियर हैव अ ड्रीम यू नो जॉब अ ड्रीम कंपनी वेयर दे वांट टू एंटर, यू मे और मे नॉट नेसेसरली गेट एन एंट्री इनटू दैट, बट ऑन द वे अगर आपको लगता है दैट लुक दिस इज माई ड्रीम एंड यू हैव गॉट दैट ड्रीम जॉब, यू शुड श्योरली थिंक अबाउट क्विटिंग योर करंट जॉब एंड मूव टूवर्ड्स परस्यूइंग योर ड्रीम। इफ योर कंपनी डिक्टेट्स योर मेंटल हेल्थ, इट इज श्योरली टाइम फॉर यू टू थिंक एंड क्विट दैट organization. We always keep joking and talking about Monday morning blues. But अगर आपको हर Monday morning blue होता है, every Sunday night अगर आपको anxiety होता है and you don't look forward towards going to work, then there is a deeper issue. The issue may not be in organization, but you need to sit and introspect whether it is the work or whether you just need a break. It is very important that you look forward towards working. हम अपने जीवन का एटलीस्ट 8 से 10 घंटा एवरी डे वर्क को देते हैं, हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहीं पे काम करें जहां आपको लगता है कि भाई आप बिलोंग करते हो वहां पे। व्हाट डज बिलोंगिंग मींस इज दैट यू नो दैट यू अलाइन विद द कल्चरल गोल्स एंड वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।